Hello students, very good morning and Jai Hind everyone. You all are welcome to our online Alga classes with the Lit School at Home and with our TMIS home-based education. Okay, I am here with my unit for day 9. You all should be ready with your SR book, workbook and your copy book and with your pencil, eraser and scale. Okay, I'm going to start with my first topic, phonics, and today I'm going to recap. Look here, can you see question 1? What are sentences made up of? Sentences किससे बने हुए हैं? मैंने तो यहाँ पे answer लिखा है, लेकिन कोई बताएगा? Yes, उसका answer है sentences are made of words. Words से बनता है एक sentence. जिसका कोई मीनिंग निकलता है सेंटेंस में. क्वेश्चन 2, व्हाट आर वर्ड्स मेड ऑफ वर्ड्स किससे बने हुए होते हैं? आंसर, वर्ड्स आर मेड ऑफ लेटर्स. वो लेटर्स से बने हुए होते हैं. ओके, एंड माय लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू लेटर्स मेक? लेटर्स क्या मेक करते हैं, क्या बनाते हैं लेटर्स? आंसर, दे मेक साउंड्स. आप इसी तरह से आपको याद भी रख सकते हो कि लेटर्स मेक साउंड्स, देन फ्रॉम लेटर्स वी कैन मेक वर्ड्स, एंड बाय जॉइनिंग द वर्ड्स वी कैन मेक सेंटेंसेस. अंडरस्टूड चिल्ड्रेन? ओके, नाउ यू कैन ओपन योर वर्कशीट 12. उसमें क्वेश्चन 2 पे आ जाइए. शॉर्ट द फॉलोइंग इन द करेक्ट कॉलम्स. Look in the bracket, D, there, this is my house, cap, U, J, Raj runs fast, tree, R, I have a pet cat. अगर वो letter है तो write in the letter column, अगर word है तो write in the words column, and अगर वो पूरा sentence है जिसको मैंने आगे भी explain किया था, sentence start from the first letter capital, and end with the full stop. अगर वो पूरा sentence है एक जिसका कोई meaning भी निकलता होता है तो वो sentence के column में लिखिए. Okay? चलिए do it. Okay. Check your answer. Letters D, U, J, R is the letters. Words there, cap, tree. और 3 सेंटेंस है, दिस इज माई हाउस, राज रन्स फास्ट, आई हैव पेट कैट. हर एक सेंटेंस में देखिए, फर्स्ट लेटर कैपिटल है, दिस का टी, राज का आर और आई हैव का आई कैपिटल, और लास्ट में जब भी स्टॉप होता है फुल स्टॉप किया है. अंडरस्टूड? डोंट फॉरगेट टू डू इट नाइसली, केयरफुली. ओके बच्चास, ओपन योर SR बुक, SR 11. इट्स योर वर्ड फैमिली. इन अवर प्रीवियस क्लासेस हमने ये स्पेलिंग्स किए थे. नाउ इन टूडेज क्लास लेट अस रीड द सेंटेंसेस बिलो. ओके, सारे सेंटेंस रीड करेंगे, आई विल रीड फॉर यू, बट यू हैव टू टेक योर पेंसिल इन योर हैंड, और जहाँ पे भी ये जो ऊपर वाले 4 वर्ड्स आते हैं, 3 लेटर वर्ड्स एड वर्ड फैमिली के, यू हैव टू सर्कल इट. ओके, शुड आई स्टार्ट? ओके, चलिए. नंबर 1, आई हैव अ ब्लू बेड. नंबर 2, आई लाइक इट इन रेड. नंबर 3, आई लेड हर टू द जू. नंबर 4, इज द कैट फेड. नंबर 5, नेड इज माई फ्रेंड. ओके बच्चास, सर्कल किया आपने 3 लेटर वर्ड्स ढूंढ के. चलो कम टू योर SR 12. आई विल शो यू द आंसर्स आफ्टरवर्ड्स. EN वर्ड फैमिली. देखो ऊपर जो 8 स्पेलिंग है उसको एक एक बार रीड कर लो, और उसी को नीचे कहीं पे भी होगा फाइंड आउट करके सर्कल करना है. ओके, आई एम गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग सेंटेंस. नंबर 1, शी हैज अ ग्रीन पेन. नंबर 2, देर आर 10 रिंग्स. नंबर 3, शी हैज अ हैन. नंबर 4, द मैन प्ले फुटबॉल. नंबर 5,
A lion lives in a den. Understood? Okay, this is your SR12. Come down. ET. At word family. At word family. आप finger रख के पहले 8 spellings को read कर लीजिए. Okay? Now, circle भी करते जाना. I am going to start by reading sentences. Number 1. She has a pet dog. Number 2. He got wet. Number 3. I am all set. Number 4. Have we met? Number 5. There is a black net. Okay. आप circle करते हो कि नहीं कर रहे हो? I think you are circling. Good. Check your answers, children. Edward family पे कहाँ पे circle आएगा? Good. Same way in N-word family and at-word family. Okay, with my second section, I'm going to start. You have to just speak along with me. Repeat after me twice. Do bar repeat karna. If could say tell there are okay. यहाँ पे हम एक एक्टिविटी करेंगे along with the whole verse. There are some sentences also, और उसको भी समझने की कोशिश करेंगे. If the trees could talk, अगर कोई क्वेश्चन मार्क होता है, शायद if trees could talk. ओके, इफ का क्या मतलब है? शायद. कम इफ यू कैन, अगर आप आ सकते हो. ओके, कूड इफ ट्रीज कूड टॉक, शायद अगर वो बात कर सकते. आई कूड हेल्प, मैं अगर हेल्प कर सकता. वुड दे वुड टेल अस टू स्टॉप, उन्हें बताना चाहिए. दे वुड, उनको बताना चाहिए. राज वुड जंप. से वॉट वुड दे से, उन लोगों ने क्या बोला, क्या कहा. से नो, बोलिए नो. टेल यानी बताना. दे वुड टेल अस सीक्रेट्स, उन लोगों को हमें सीक्रेट बताना चाहिए. टेल मी अ स्टोरी, मुझे स्टोरी बताओ, स्टोरी सुनाओ, बोलते हैं ना. देर दे वुड शेयर देर स्टोरीज, उनकी स्टोरी हमारे साथ शेयरिंग करना चाहिए. देर हाउस इज हियर, उन लोगों का घर यहाँ पे है. आर वुड दे बी आर फ्रेंड्स, क्या वो हमारे दोस्त बन सकते हैं. That is our house. वो हमारा घर है. Our मतलब हमारा. Okay, open your WS-13. यहाँ पे आपकी एक एक्सरसाइज है. Okay? आप क्या करोगे बेटा, ये जो वोकैबुलरी वर्ड्स हमने लर्न किए थे ना लास्ट प्रीवियस क्लास में स्टोरी के साथ, उसको चाहो तो एक बार आप रीड कर लो. Short the following words in the correct column. अभी नीचे देखिए, आपके पास दो टेबल में वर्ड्स लिखे हैं. एक्शन वर्ड्स वर्ब, यानी क्या, एक्शन वर्ड्स, बोल दिया जो आप एक्शन करते हो. एंड नेमिंग वर्ड्स, व्हाट इज नेमिंग वर्ड्स. नेमिंग वर्ड्स आर द नेम ऑफ अ पर्सन, पर्सन का नाम, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स. ओके, अभी ध्यान से सुनिए. हमारे पास जो पहला पिक्चर है वो है स्विंग. वॉट इज स्विंग, सोचिए क्या वो एक्शन वर्ड वर्ब है या फिर नेमिंग वर्ड है. यस, इज एक्शन. स्विंगिंग, झूला झूलना, एक्शन है. अंडरस्टूड, तो वो एक्शन वर्ड्स में लिखिए. कम टू द सेकेंड वर्ड, सुजाता. वॉट इज सुजाता, एक्शन है कोई? नो, इट्स अ नेमिंग वर्ड, नेम ऑफ अ पर्सन, तो नेमिंग वर्ड में लिखिए.
सेम वे बाकी के आप करोगे, मैं सिर्फ आपको पिक्चर और उसका स्पेलिंग बता रही हूँ। रेस्ट, थिंक, क्लाइम, एंट्री, ओके। चलिए करिए, लिखिए आप ध्यान से, सोचिए व्हाट इज रेस्ट, एक्शन है या नेमिंग वर्ड। व्हाट इज थिंक, एक्शन है या नेमिंग वर्ड। क्लाइम एक्शन है कि नेमिंग वर्ड। ट्री एक्शन है कि नेमिंग वर्ड। चेक योर आंसर बेटा, ओनली नेमिंग वर्ड में आएगा सुजाता और ट्री। ट्री हम यूज करते हैं। स्विंग रेस्ट यानी आराम करना, थिंक यानी सोचना, क्लाइम यानी चढ़ना, तो ये सब एक्शन वर्ड्स हो गए। अंडरस्टूड? ओके बच्चास, ये सब तो मैं गूगल पे भी रिपीट कराने वाली हूँ वापस। नाउ हियर आई एम गोइंग टू रिकैप, व्हाट आर इवेंट्स। चलिए बताइए मुझे, इवेंट्स किसको बोला जाता है। द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट हैपन इन अ स्टोरी आर कॉल्ड इवेंट्स। घटनाएं, ऐसा हुआ, उसके बाद ऐसा हुआ, इसके बाद ऐसा हुआ, तो वो जो घटनाएं चलती रहती है उसको बोला जाता है इवेंट्स इन द स्टोरी। ओके, क्वेश्चन टू, व्हाट डज रिटेलिंग मीन्स। व्हाट इज रिटेलिंग बेटा, रिटेलिंग का क्या मतलब है। When you tell the events of a story, you already know. वो स्टोरी आपने सुन ली है, इसलिए आपको पता है कि वो क्या है। Understood? वो स्टोरी में क्या क्या हो रहा था। उसी चीज़ को दोबारा दोहराना, उसी चीज़ को दोबारा किसी को बताना। Okay? It means you are retelling it. क्योंकि आपको पता था और वापस बोल रहे हो, वापस बता रहे हो, इसको बोला जाता है रिटेलिंग। ओके, रिटेल द स्टोरी, बी फ्रेंड्स विथ अ ट्री इन योर ओन वर्ड्स। अभी यहाँ पे आप क्या करोगे, आप रिटेल करोगे। आप ये स्टोरी को वापस एक बार घर पे पढ़ो एंड देन उसको रिटेल करो अमॉन्ग योर फ्रेंड्स, अमॉन्ग योर एल्डर्स, अमॉन्ग योर पेरेंट्स। ओके, आप उसके आप ये स्टोरी आपके दोस्त को बताओ या फिर मम्मी पापा को बोलो, बताओ। आपके ओन लैंग्वेज वर्ड्स भी यूज कर सकते हो। ओके, उसी तरह से आप पैर प्रैक्टिस भी कर सकते हो। स्टोरी का रीडिंग करो, एक लाइन आप करो, एक लाइन मम्मी करे, फिर उसी को पैर प्रैक्टिस में आप रिटेल भी कर सकते हो। अंडरस्टूड? नाउ चिल्ड्रेन, दिस इज द रिकैप ऑफ कॉमन एंड प्रॉपर नेमिंग वर्ड जो मैंने लास्ट क्लास में करवाया था। ओके, उसका इंट्रोडक्शन था, अभी यहाँ पे मैं रिकैप कराने जा रही हूँ। एक चीज, कॉमन नेमिंग वर्ड, अ जनरल और कॉमन नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। मतलब हम जनरल होते हैं। अभी आप बोलोगे टीचर, तो टीचर तो कोई भी टीचर है, मैथ्स के टीचर, साइंस के टीचर, आपके ईवीएस के टीचर, हिंदी के टीचर, इंग्लिश के, एल्गा के टीचर, ओके, गुजराती के मैम है, तो टीचर तो कोई भी है। बट यू आर टेलिंग दिस इज माय एल्गा मैम, दिस इज माय मैथ्स मैम, दिस इज माय ईवीएस मैम, तो आप बोलोगे ना सब्जेक्ट के साथ बोलते हो या फिर नेम के साथ बोलते हो कि मामा दिस इज माय वैशाली मैम। यस, तो वो प्रॉपर हो गया कि आप वैशाली मैम की ही बात कर रहे हो। अंडरस्टूड? लेकिन अगर आप सिर्फ टीचर बोलोगे तो टीचर कोई भी हो सकता है, तो टीचर इज कॉमन एंड वैशाली मैम इज प्रॉपर नेम। अंडरस्टूड? सेम वे यहां पे देखिए, प्रॉपर नेमिंग वर्ड, अ स्पेशल और स्पेसिफिक नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। मतलब गर्ल तो कोई भी हो सकता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट सुजाता, प्रॉपर गर्ल। स्कूल, स्कूल बहुत सारी स्कूल्स है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट लीड स्कूल यहाँ पे। डॉग, बहुत सारे कुत्ते होते हैं, रास्ते पे भी घूमते रहते हैं, लेकिन अगर मेरे घर पे मैं कुत्ता रखती हूँ तो वो स्पेशल हो जाएगा और उसका नेम रखूंगी ब्रूनो। ओके, नाउ चॉकलेट,
चॉकलेट्स में आप कोई भी चॉकलेट्स खा सकते हो, फाइव स्टार आ सकती है, डेरी मिल्क आ सकती है, फ्रूट एंड नट आ सकती है, 1 रुपी की चॉकलेट्स आ सकती है, यस। बट यहाँ पे चॉकलेट कौन सी दिखाई गई है, कैडबरी। कैडबरी इज द प्रॉपर, ओके, प्रॉपर नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड्स ओपन करिए, चलिए बेटा आपके WS बुक में आप ये ओपन कर सकते हो, WS 13 question 2, ओके। अभी यहाँ पे आपको शॉर्ट आउट करना है, प्रॉपर नेम है कि कॉमन नेम है। शॉर्ट द वर्ड्स इनटू करेक्ट कैटेगरीज, करेक्ट कॉलम में शॉर्ट आउट करिए। मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगी, देखिए आप, लेट अस लुक एट हाउ टू शॉर्ट दिस वर्ड्स। पहले हम ये वर्ड्स को कैसे शॉर्ट करेंगे वो देखते हैं। राहुल, आपको ब्लू एरो दिख रहा है, वो नेम पहला वाला जो लिखा है यहाँ पे वो है राहुल। राहुल क्या है, प्रॉपर नेम के साथ बात की है, राहुल, अंडरस्टूड। तो आप राहुल को किस में लिखोगे, प्रॉपर नेमिंग वर्ड या कॉमन नेमिंग वर्ड। लुक एट द फर्स्ट वर्ड राहुल, ब्लू कलर का एरो भी है, यस प्रॉपर नेमिंग वर्ड। थिंक वेदर इट इज प्रॉपर नेमिंग वर्ड और अ कॉमन नेमिंग वर्ड। गुड, राहुल इज समवन्स नेम, राहुल किसी का नेम है, राइट, प्रॉपर नेम है, इट इज अ प्रॉपर नेमिंग वर्ड। सो वी राइट इट इन द फर्स्ट कॉलम, प्रॉपर नेमिंग वर्ड में लिखा है राहुल, देखिए रेड कलर में। सेकेंड वर्ड पे आ जाइए, लेट अस लुक एट द सेकेंड वर्ड रेड। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, रेट, RAT, रेट। इट इज अ प्रॉपर नेमिंग वर्ड और अ कॉमन नेमिंग वर्ड, क्वेश्चन करिए रेट क्या है, प्रॉपर नेम है उसका या फिर कॉमन नेमिंग वर्ड है। ओके, इट इज अ कॉमन नेमिंग वर्ड, वो कॉमन, रेट में बहुत सारे चूहे आ सकते हैं बेटा, सो वी राइट इट इन द सेकेंड कॉलम। ओके, नाउ डू दिस फॉर द रिमेनिंग वर्ड्स। सेम वे आप आगे के वर्ड्स को सोचिए, ट्री क्या है, प्रॉपर नेमिंग वर्ड कॉमन नेमिंग वर्ड। मोहन, सीमा, क्लोथ्स, पूजा, रिंग, पेपर, पार्क, सोचिए और लिखते चाहिए, ओके, डू इट एवरीवन। ओके, चेक योर आंसर, प्रॉपर नेमिंग वर्ड में है, वर्ड्स में है राहुल, मोहन, सीमा, पूजा, एंड कॉमन नेमिंग वर्ड्स में है रेट, ट्रीज, क्लोथ्स, रिंग, पेपर एंड पार्क। ओके बच्चास, अभी आप लोग ये ओपन करके रखो, WS 14 आपकी वर्कबुक में ओपन करके रखो, ओके बच्चा। यह वी रेड द स्टोरी अबाउट अ बॉय हु वंडर्स इफ ट्रीज वुड लाइक टू बी अवर फ्रेंड्स। हमने एक स्टोरी देखी, राइट, कि अगर ट्रीज हमारे दोस्त होते, ओके। डू यू थिंक ट्रीज वुड लाइक टू बी अवर फ्रेंड्स, क्या आप सोच सकते हो कि क्या ट्री को भी हमारी दोस्ती पसंद आती है क्या, ओके, बी अवर फ्रेंड्स, सोचिए, मुझे आंसर बताना, ओके। देखिए बच्चास, ह्यूमंस डोंट रियलाइज दैट ट्रीज आर अवर फ्रेंड्स। ह्यूमंस कभी भी ये रियलाइज नहीं करते कि ट्रीज भी हमारे दोस्त बन सकते हैं, एंड गिविंग अस मैनी थिंग्स। ट्रीज हमें बहुत कुछ देता है, जैसे अभी हमने सीखा आगे के क्लासेस में, यस, प्रीवियस क्लासेस में, वी जस्ट कट दीज ट्रीज फॉर अवर ओन नीड्स। हम अपनी जरूरत के लिए ये सारे पेड़ को कट करते हैं, दिस इज रॉन्ग, ये गलत बात है, हमें पेड़ को कट नहीं करना चाहिए। सो वी शुड नॉट कट ट्रीज बट प्रोटेक्ट देम। हमें ट्रीज को कट नहीं करना चाहिए, उनका प्रोटेक्शन करना चाहिए, ओके। टुडे वी विल ड्रॉ ऑन द टॉपिक सेव ट्रीज। देखो, ड्रॉ एंड लेबल अ पोस्टर ऑन सेव ट्रीज। अभी आप सोच सकते हो कि सेव ट्रीज को किस तरह से मैं ड्रॉ करूं, ओके? आपको ड्रॉ भी करना है और आपने क्या ड्रॉ किया है उसको लेबल आउट करना है। लेबल आउट का मतलब है उसको नाम देना है बेटा, आया समझ में आप सबको?
ओके बच्चा, नाउ आप क्या करोगे पता है, यहाँ पे उसको ड्रॉ करिए और उसको लेबल भी करके रखिए. ओके, नाउ ओपन योर नोटबुक. कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब अपर केस एंड लोअर केस. राइट डाउन द ईच रो विथ द लेजिबल हैंड राइटिंग एंड कंप्लीट इट. ओके बेटा, नाउ आप क्या करोगे बेटा, अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द गूगल मीट. ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद.